और अब अगली खबर, मुंबई में उत्तर भारतीयों के खिलाफ हुई हिंसा के विरोध में बिहार में जगह जगह विरोध सिर उठा रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए आज राजधानी पटना में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। साथ ही रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। महाराष्ट्र में हुई घटनाओं के खिलाफ कल लोगों ने ट्रेनों पर ही सबसे ज्यादा अपना गुस्सा उतारा। पटना के पास बाढ़ और अथमल में नाराज छात्रों ने कोसी एक्सप्रेस और दुर्ग एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया, यानी रेलवे की संपत्ति को निशाना बनाया गया। वहीं जहानाबाद में गुस्साए छात्रों ने गया पटना पैसेंजर ट्रेन के एक इंजन पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा सासाराम, खुसरोपुर, जहानाबाद और फतुहा में भी ट्रेनें रोकी गई। तो जिस रेलवे में भर्ती बोर्ड की परीक्षा देने ये लोग गए थे और उसी रेलवे को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि वहां पर इनके साथ मारपिटाई की एमएनएस के लोगों ने और अब रेलवे पर इनका गुस्सा निकल रहा है। बिहार में हुई हिंसा की वजह से ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। इसमें कई ट्रेनें शामिल हैं। सुबह 6:30 बजे चलने वाली महानंदा एक्सप्रेस अब सुबह 9 बजे जाएगी, जबकि 6:40 पर चलने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस अब 9 बजे जाएगी। इसके अलावा हावड़ा एक्सप्रेस का भी समय बदल दिया गया है। बड़े पैमाने पर हो सकता है कि ट्रेनों के समय में फेरबदल हो। इस पर ज्यादा जानकारी पटना से हमें दे रहे हैं संवाददाता अजय सिंह। अजय, कितनी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं कल हुई हिंसा की वजह से? लगभग 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें पूरी इस हिंसा की वजह से प्रभावित हुई हैं। ऋषा, आपको बता दें कि जिस तरीके की कल हिंसा थी उसमें पूरे मतलब बिहार में रेलें रेंगती हुई नजर आई थी। कल जो है बुधवार को अगर देखा जाए तो 2 दर्जन ट्रेनें रद्द हुई थी, जिनमें राजगीर एक्सप्रेस, दानापुर टाटा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, दानापुर जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस, हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस, ऐसी तमाम ट्रेनें थी जो निरस्त हुई थी। ये ट्रेनें वहां पर निरस्त की गई थी। और आज भी अभी जो हमारी कंट्रोल रूम से बात हुई तो उनका कहना है कि दिन में जो चलने वाली जो पटना से दानापुर रेल मंडल से जो हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि दिन में जो चलने वाली जो ट्रेनें हैं वो रद्द रहेंगी, शाम की भी बात नहीं हो पाई है। तो अभी ये पूरी स्थिति, क्योंकि वो लोग भी देखना चाहते हैं कि आखिर आज के हालात क्या रहते हैं, किस तरीके से छात्रों का आज का वो रहता है, उसके बाद वो लोग इस बात का निर्णय कर पाएंगे कि ट्रेनों के परिचालन को किस तरीके से सुधार वो चालू किया जाए, निकाला जाए। इस बीच बहुत से लोग जो है वो कल देर रात तक, जब 9:15 बजे घोषणा हुई तो देर रात तक लोग अपने टिकट की वापसी कराते हुए नजर आए, पटना स्टेशन पर करा रहे थे। रेलवे ने ये जरूर एक राहत दी है कि जिन लोगों ने अपने टिकट करा लिए थे उन्हें 3 दिन का समय दिया है कि 3 दिन में कभी भी वो कैंसिल करा सकते हैं अपने टिकटों को। तो जिस तरीके से दीपावली का त्यौहार है उस समय इस तरीके की वजह से बहुत से यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। क्या जी?